नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में विधायक प्राथमिकता वाली 50 नई सड़कें बनेगी, नाबार्ड से लिया जाएगा ऋण। हिमाचल प्रदेश में विधायक प्राथमिकता वाली 50 नई सड़कों का निर्माण होगा, नाबार्ड से ऋण लेकर इनका निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने औपचारिकताएं पूरी कर योजना विभाग को सड़कों के प्रोजेक्ट भेज दिए हैं। नाबार्ड से स्वीकृति मिलने के बाद इनका निर्माण शुरू होगा। इन सड़कों के निर्माण पर 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। जुलाई के अंत तक इन सड़कों की मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार के इस फैसले से दर्जनों आबादी वाली गाँव के लोगों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि विधायक प्राथमिकताओं को लेकर हर साल प्लानिंग विभाग की बैठक होती है। साइबर अपराधी डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर लोगों को लगा रहे हैं चूना एडवाइजरी जारी। साइबर अपराधी हिमाचल के लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर बैंक खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। शातिर अपने आप को बैंक, RBI और इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी बताकर डेबिट क्रेडिट कार्ड, आधार और पैन कार्ड की डिटेल ले लेते हैं। लोगों को तब पता चलता है जब उनके खाते से पैसे निकालने का संदेश आता है। साइबर पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा साइबर ठग पेंशन धारकों को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं। खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशन धारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। साइबर पुलिस थाना शिमला में इस तरह की दर्जनों शिकायतें आ रही हैं। अब लकड़ी और प्लास्टिक के बिन में सेब स्टोर करेगा HPMC, 6 माह तक रहेगा ताजा। HPMC हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के CA कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर में 6 माह तक बागवानों का सेब ताजा रहेगा। इसके लिए HPMC पहली बार इस सीजन में CA स्टोर में सेब रखने के लिए लकड़ी और प्लास्टिक बिन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। HPMC का दावा है कि कोल्ड स्टोर में रखे सेब के बागवानों को बढ़िया दाम लेंगे। अब तक HPMC के CA स्टोर में बागवान कार्टन में ही सेब स्टोर करते थे। कार्टन के अंदर वायु प्रभाव न होने से कई बार सेब की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती थी। कई बार कार्टन खराब होने से भी बागवानों को नुकसान होता था। अब 10वीं 12वीं कक्षा की वर्ष में एक बार होगी परीक्षा टर्म प्रणाली बंद। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा साल में एक बार ही लेगा। सुबह के स्कूल में चल रही टर्म प्रणाली को अब खत्म कर दिया गया है। टर्म प्रणाली को बंद करने की अधिसूचना शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार अंडर सेक्रेटरी अनिल शर्मा की ओर से प्रदेश के स्कूलों में टर्म प्रणाली को बंद करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग की ओर से लिखे गए इस पत्र में BU 39 अकेडमिक फाइल नंबर 3 वॉल 5 पार्ट फाइल 2023 10268 दिनांक 16/5/2023 का हवाला दिया गया है। दिल्ली से धर्मशाला के लिए हवाई यात्रा के किराए ने भरी उड़ान। क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचों का शेड्यूल जारी हो चुका है। इस दौरान HPCA स्टेडियम धर्मशाला में 5 मैच मिले हैं। धर्मशाला में होने वाले इस महाकुंभ के 5 मैचों में हर कोई कमाई करना चाहता है। इसी कड़ी में दिल्ली से धर्मशाला आने वाली विमानन कंपनियों ने अभी से ही अक्टूबर माह के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। इस समय पर्यटन सीजन चल रहा है। ऑनलाइन बुकिंग करने पर दिल्ली से धर्मशाला का हवाई किराया 4,000 से 7,000 रुपये तक है, लेकिन अक्टूबर माह को अक्सर पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान से धर्मशाला आने वाले हवाई उड़ानों की संख्या में भी कम रहती है। इस मर्तबा धर्मशाला में वर्ल्ड कप के चलते अभी से ऑनलाइन बुकिंग करने पर किराए में बढ़ोतरी दिख रही है। ये किराया मैच के दिन समान है, लेकिन मैच से एक दिन पहले इसमें काफी उछाल है। मनाली के बाद अब शिमला में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी। जाने कितनी देना होगा फीस। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी मनाली की तरह ही दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। ग्रीन टैक्स लेने के पीछे स्थानीय प्रशासन का तर्क है कि इस क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त रखना है। इसी तरह का ग्रीन टैक्स राज्य मुख्यालय शिमला में लगाने का विचार चल रहा है, ताकि नगर निगम को ग्रीन टैक्स से आय हो सके। करीब 8 साल पहले भी इसी तरह की कवायदें शुरू की गई थी, लेकिन सिरें नहीं चढ़ पाई थी। कुमार धूमा सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत प्रदेश में निजी भूमि पर पेड़ पौधे लगाने की पहल हुई थी, जो कि विश्व बैंक की ओर से निर्धारित मापदंडों के तहत किया जाना था। उसके बाद प्रदेश में ग्रीन क्रेडिट को लेकर आगे काम नहीं हो सका था। बल्क ड्रग फार्मा पार्क या शील करने को होंगी नई भर्तियां। ट्रांसमिशन लाइन पर व्यय होंगे 2,000 करोड़। ऊना जिले के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग फार्मा पार्क को क्रियाशील करने के लिए नई भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए करीब 36 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। साथ ही जल की उपलब्धता पर 11.75 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पार्क की ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी अलग से 2,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे, जिनमें से 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार व्यय करेगी। बल्क ड्रग पार्क को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से यहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में
में गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक हुई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बल्क ड्रग पार्क के कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, आंतरिक सड़क, आधारभूत ढांचे जैसी बुनियादी आवश्यकता को तुरंत विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने पार्क में निरंतर जलापूर्ति बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक समाधान पर भी बल दिया। हिमाचल में झमाझम बारिश से हालात बिगड़े, 5 मंजिला मकान जमे 2, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में भारी बारिश से रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। बुधवार को कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कुमारहट्टी के पास बारिश के चलते 5 मंजिला मकान जमे 2 हो गया। घटना के समय मकान में कोई व्यक्ति नहीं था, इसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। मकान मालिक ने 4 लेन के निर्माण के चलते मकान में बारिश का पानी जाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कुल्लू जिले के मणिकर्ण में गार्की के पास बिजली गिरने से 60 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। घटना में भेड़ पालक भी घायल हो गया है। शिमला में बुधवार दोपहर को झमाझम बादल बरसे। दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक शहर में 51 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार को भी मौसम खराब बना रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बुधवार शाम तक 127 सड़कें, 1635 पेयजल सिंचाई योजनाएं और 149 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। स्नातक और स्नातकोत्तर विश्व में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी। स्नातकोत्तर विश्व में प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने बी फार्मेसी, बीटेक सहित अन्य यूजी कोर्सों व पीजी विषयों की काउंसलिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार बी फार्मेसी की काउंसलिंग प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू होगी। 5 जुलाई को बैकवर्ड एरिया, डिफेंस और खेल कोटे के तहत काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच होगी। 10 व 11 जुलाई को बी फार्मेसी की पहले चरण की काउंसलिंग होगी। बीटेक जेई मेन के आधार पर पहले चरण की काउंसलिंग 12 व 13 जुलाई को होगी, जबकि HPCET के आधार पर बीटेक की काउंसलिंग 14 व 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। BCA, BBA, BHMCT, BSc, HMCT की काउंसलिंग 7 जुलाई को होगी। MBA, MBA, पैटर्न, MTech व MCA के पहले चरण की काउंसलिंग 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। PG डिप्लोमा योग में प्रवेश के लिए भी इसका प्रावधान है।